स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो आज का हमारा लेक्चर लैंग्वेजेस से रिलेटेड है कि ऑटोमेटा के अंदर लैंग्वेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस क्या हैं और हम इनमें से कौन सी लैंग्वेज अपने इस कोर्स के अंदर यूज़ करेंगे। तो लैंग्वेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, हाउ मशीन वर्क सिस्टमेटिकली। मशीन, कोई भी मशीन हम सिस्टमेटिकली किस तरह से काम कर रही होती है, वो सिस्टमेटिकली इस तरह से काम कर रही होती है कि हर मशीन जो है वो कोई ना कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक होती है, जो कि एक लैंग्वेज समझती है, उसको किसी लैंग्वेज के थ्रू इनपुट दी जाती है, वो उस इनपुट को रीड करती है और हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देती है। तो इसका मतलब है जो लैंग्वेज है वो फर्स्ट स्टेप है मशीन के साथ इंटरेक्ट करने का। हर मशीन एक स्पेसिफिक लैंग्वेज समझती है तो हमें उसको उसी ही लैंग्वेज में इनपुट देनी पड़ती है जो कि वो लैंग्वेज समझ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन इंटरेक्ट विद कंप्यूटर विद इट्स कीबोर्ड एंड वी कैन इंटरेक्ट विद एटीएम विद इट्स कीपैड। हमारे सामने रियल लाइफ एक एग्जाम्पल है कि हमने जब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो हम माउस या कीबोर्ड से कुछ इनपुट दे रहे होते हैं, वो उसको रीड कर रही होती है हमारी मशीन और हमें एक आउटपुट प्रोवाइड कर रही होती है। इसी तरह जब हम एटीएम यूज़ कर रहे होते हैं, हम अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं और कुछ कीपैड के थ्रू हम इनपुट देते हैं और वो मशीन प्रोसेसिंग करती है। सिमिलरली एग्जांपल्स आप पेट्रोल पंप्स आपने देखे होंगे, वहाँ पे मशीन की ले लें एग्जांपल, जब आप फ्यूलिंग करवाते हैं अपनी गाड़ी या बाइक के अंदर तो उस मशीन का एक स्पेसिफिक कीपैड होता है जहाँ से वो प्राइस अमाउंट या अमाउंट लीटर्स में जो भी है वो ऐड करते हैं और फिर उसके मुताबिक वो वर्किंग स्टार्ट कर देती है मशीन। तो इस सब का क्या मतलब है कि यानी हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में उसको कमांड दे रहे होते हैं जिस कमांड के बाद वो मशीन प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती है। अगर हम कंप्यूटर कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, अगर हम वही कीबोर्ड किसी एटीएम मशीन के साथ अटैच कर दें तो क्या होगा। अगर हम वही कीबोर्ड किसी कंप्यूटर मशीन के साथ अटैच कर देते हैं तो ये होगा कि हम जब उसको इनपुट देंगे तो वो पूरी इनपुट उस इनपुट को वो रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर तो मल्टीपल कीज़ होती हैं जिनको हम प्रेस करते हैं। उन कीज़ को प्रेस करने के बाद एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना शुरू कर देता है हमारा कंप्यूटर। लेकिन एटीएम मशीन में तो हम देखते हैं हमारे पास सिर्फ कीपैड है और वो स्पेसिफिक कीज़ ही हैं, सिर्फ वही इनपुट वो लेगा, इसके अलावा कोई और इनपुट नहीं ले सकता। तो एटीएम मशीन में हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक कीपैड होता है और हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है और वो जो लैंग्वेज समझता है उसी लैंग्वेज में उसको इनपुट दें तो वो प्रोसेस करती है मशीन। लैंग्वेज बेसिकली है क्या, लैंग्वेज की डेफिनेशन, लैंग्वेज इज़ ए सेट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स। लैंग्वेज एक सेट ऑफ स्ट्रिंग है जो कि कुछ रूल्स को फॉलो करके बनाई जाती है, जैसा कि लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड एंड विद वी। ए, हम एक एग्जांपल देते हैं, हम कोई ऐसी लैंग्वेज बनाना चाह रहे हैं जो कि ए से स्टार्ट हो, यानी उसका पहला अल्फ़ाबेट भी ए हो और आखिरी अल्फ़ाबेट भी ए हो। L1 लैंग्वेज की एग्जांपल दी गई, जिस तरह सबसे पहले लिखा हुआ ए बी ए। अब देखें ये ए से स्टार्ट हो रही, ए पे ख़त्म हो रही, सेंटर में एक दफ़ा बी आ रहा है, उसके बाद डबल ए, ए से ही स्टार्ट हुआ, ए पे ख़त्म हुआ, आगे और एग्जांपल ए बी ए बी ए। ये स्टार्ट और एंड पे तो ए होना चाहिए, दरमियान में कुछ भी हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे आप कह लें इनपुट दो हैं ए और बी, हमने कहा कि स्टार्ट भी ए हो एंड भी ए हो, दरमियान में बी जिस मर्जी सीक्वेंस से आए उससे हमें कंसर्न नहीं है कि हमने एक रूल को फॉलो किया। अब अगर हम लैंग्वेज की टाइप्स के ऊपर आएँ तो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की दो मेन टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं, एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। तो इन टाइप्स को आइए देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है और हम कौन सी टाइप की लैंग्वेज अपने इस ऑटोमेटा के कोर्स में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेज कौन सी हैं। फॉर्मल लैंग्वेज आर यूज्ड एज अ बेसिक फॉर डिफाइनिंग कंप्यूटर लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज बेसिकली जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है वो फॉर्मल लैंग्वेजेज होती हैं। ए फॉर्मल लैंग्वेज है क्या, प्री डिफाइंड सेट ऑफ सिंबल एंड स्ट्रिंग्स। ए फॉर्मल लैंग्वेज की मेन जो कह लें डेफिनेशन है, वो हम कह सकते हैं कि ऐसी लैंग्वेज है जिसको सिर्फ रूल से कंसर्न होता है, मीनिंग से उसका कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ रूल्स को फॉलो करती है। इसलिए हम इस फॉर्मल लैंग्वेज को सिंटैक्टिक लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि वी डिफाइन अ लैंग्वेज डैट स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ई। हम कोई ऐसी लैंग्वेज डिफाइन करना चाह रहे हैं जो कि ए से स्टार्ट हो और ई पे ख़त्म हो।
हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले ए में लिखा है ए डी एम एच ई, यानी कोई लैंग्वेज है ए से स्टार्ट हुई ई पे ख़त्म हुई। उसके बाद आप बी में देखें वो भी ए से स्टार्ट हो रही है और ई पे ख़त्म हो रही है, और अगर हम सी में देखें वहाँ पे लिखा हुआ पी ए जी ई, पी से स्टार्ट हो रही है ई पे ख़त्म हो रही है। तो अब देखें अगर पहला ए और बी में जो वर्ड लिखे हुए हैं ये मीनिंगलेस वर्ड हैं, इनका कोई मीनिंग तो नहीं है, लेकिन ये रूल को फॉलो कर रहे हैं, ए से स्टार्ट हो रहे हैं और ई पे ख़त्म हो रहे हैं। और अगर आप देखें सी पॉइंट के अंदर जो वर्ड है पी ए जी ई पेज, यानी इसका एक मीनिंग है लेकिन ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज बोथ ए एंड बी अबव केसेस आर ट्रू, कि ये जो ए और बी दिया गया ये ट्रू होगा, क्योंकि हम कह चुके हैं कि फॉर्मल लैंग्वेज तो वो लैंग्वेज है जो कि रूल्स को फॉलो करेगी, और रूल यहाँ पे ये था कि ए से स्टार्ट हो और ई पे ख़त्म हो। तो इसी तरह अगर हम सी देखें, सी में जो वर्ड है उसका मीनिंग तो है लेकिन वो रूल को फॉलो नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये जो सी पे जो वर्ड दिया गया है पार्ट सी में ये फॉर्मल लैंग्वेज की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। तो इसी तरह इनफॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या है, कंसर्न्ड विद रूल्स एंड मीनिंग। तो जिस तरह हमने फॉर्मल लैंग्वेज में देखा, फॉर्मल लैंग्वेज सिर्फ रूल पे फोकस कर रही है मीनिंग पे नहीं, जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है वो रूल्स और मीनिंग दोनों चीज़ों पे फोकस करती है। इनफॉर्मल लैंग्वेज को हम सिमेंटिक लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, हमारे पास दो वर्ड दिए गए हैं ए और बी, ए में है पी ए जी ई पेज और ए ई जी पी। जो पहला वर्ड है ए में वो तो एक मीनिंगफुल वर्ड है, लेकिन जो दूसरा वर्ड है वो मीनिंगफुल नहीं है। अब देखें हम कह चुके हैं कि इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है वो रूल्स और मीनिंग दोनों पे फोकस करती है। अगर आप इसमें देखें रूल तो फोकस हो रहा है, रूल क्या फोकस हो रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो वर्ड हैं वो तो हमें पता है अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है उसमें अल्फ़ाबेट, तो ये जो दोनों वर्ड हैं बन तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही रहे हैं, ए से जेड में, ए से लेके जेड तक में से कोई वर्ड सेलेक्ट किया गया है, लेकिन पहला वर्ड मीनिंगफुल है दूसरा वर्ड मीनिंगलेस है। तो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या करेगी, जो पहला वर्ड है पेज उसको करेक्ट कंसीडर करेगी और दूसरे को इनकरेक्ट कंसीडर करेगी, यानी वो इनफॉर्मल की डेफिनेशन में नहीं आता। तो बोथ ऑफ अबव वर्ड जिस तरह हमने कहा कि फॉलो तो रूल कर रहे हैं लेकिन जो फर्स्ट वर्ड है उसका एक मीनिंग है, तो अकॉर्डिंग टू इनफॉर्मल लैंग्वेज जो वर्ड नंबर ए पे जो पेज लिखा हुआ है ये ट्रू वर्ड है। तो ये इन दोनों में बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस था। हम अपने इस कोर्स के अंदर फॉर्मल लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस करेंगे, यानी हमारा मेन फोकस रूल्स के ऊपर होगा, मीनिंग्स के ऊपर इतना फोकस हम नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर।